नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ वीडियो से मैं आपको डिफरेंट ग्रहों के मंत्र क्या हैं, यजुर्वेद में जिनके मंत्र दिए हुए हैं वो क्या हैं, उनकी शांति विधान क्या है और उनके बारे में प्लस उनके कारकत्व क्या क्या है, जो इस्तेमाल होते हैं, जो प्रेडिक्शन में बहुत काम आते हैं, वो सब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा के मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग मंगल के कारकत्व वगैरह पढ़ेंगे और मंगल के बारे में पढ़ेंगे कि मंगल के लिए क्या मंत्र है, मंगल के लिए क्या दान करना चाहिए, मंगल के लिए क्या कारकत्व है, मंगल के अमंगल है क्या, मंगल के बारे में क्या है। तो मंगल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पृथ्वी के पास नहीं है। कभी कभी वो बहुत पृथ्वी के पास जाता है, चक्कर लगा हुआ था, कभी पृथ्वी से दूर चला जाता है, तो कभी वो हमको छोटा दिखाई पड़ता है, कभी वो हमको बड़ा दिखाई पड़ता है। नैसर्गिक रूप से ये लाल रंग का प्लेनेट है, बिल्कुल रेड कलर का प्लेनेट है। और वेद में जितने हमारे वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, वेदों में मंगल को अग्नि, लोहितांग, रुद्र, अंगारक या भूमिपुत्र भी कहा गया है। रुद्र, अंगारक, भूमिपुत्र, ये क्यों कहा गया है? कहते हैं कि एक बार शिवजी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते समाधि में जब वो लीन थे तो उनके चेहरे से कुछ पसीने की बूंदे गिरी और वो पसीने की बूंदे जब पृथ्वी पे गिरी तो वहां से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी, माँ पृथ्वी उनको लेकर उनके पास आई कि ऐसे ऐसे ये बच्चा उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुम इसको अपने पास रखो और इसका लालन पालन करो। तो तब से उसका नाम, मंगल का नाम भूमिपुत्र पड़ गया। तो ये रुद्र भी, क्योंकि भगवान रुद्र के, भगवान शिव के तरफ से पैदा हुए थे, तो रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। अब वेदों में रुद्र के नाम से इनको जानते हैं, कहते हैं कि वेदों में 75 बार रुद्र नाम प्रयुक्त हुआ है। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें लगभग 75 टाइम्स रुद्र का नाम प्रयुक्त हुआ है। और इसका चित्रण जो है वो उग्र एवं हिंसक देवता के रूप में हुआ है, मतलब वायलेंट है नेचर से। तो ऐसी मंगल हमारा है, क्योंकि मंगल को रुद्र को ही मंगल कहा गया है या मंगल को ही रुद्र कहा गया है, तो मंगल भी हमारा वैसे ही है, बहुत वायलेंट प्लेनेट है। इसलिए ग्रहों के मंत्रिमंडल में उसको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। तो उसका क्रोधी माना जाता है, उग्र माने जाते हैं, हिंसक माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके शांति विधान हैं। अगर कोई उनको पूजते हैं, कोई उनकी पूजा करते हैं, तो उनका पूरा वो हित देखते हैं और पूरा उनका भला करते हैं। तो उसके लिए विशेष मंत्र और दान अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के क्वालिटीज की तरफ, इसके वैदिक शांति मंत्र की तरफ, इसके आर्टिकल ऑफ डोनेशन की तरफ। क्या है प्रोमिनेंट क्वालिटीज की? बहुत ही निरंकुश प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है, ये हम सब जानते हैं। डिक्टेटरशिप है इसके अंदर, इसलिए इसको सेनापति कहा जाता है। प्लैनेट ऑफ एक्सेक्शन और एक्सपेंशन कहा जाता है, यानी ऐसा ग्रह जो एक्शन लेना चाहता है। इनको बस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेनापति की जो ड्यूटी होती है वो राजा से एक बार उनको आदेश मिल गया तो उसके बाद वो एक्शन बहुत तेजी से लेते हैं, उसमें वो देरी नहीं करते। तो ऐसी हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी भी, एक बार उनको अगर मिल गया कि भाई आपने यहाँ पर एक्शन लेना है तो फिर वो टाइम ही लगाते, फिर तो वो बहुत ही विद इन मिनट्स अपना उनका एक्शन चालू हो जाता है। तो वही मंगल ग्रह की क्वालिटी भी है। वैदिक शांति मंत्र मंगल का जो यजुर्वेद में दिया हुआ है, अगर मंगल किसी का खराब हो तो ये वाला मंत्र करने से उसको जरूर शांति मिलेगी और जरूर उसका भला होगा, क्योंकि ये मंत्र वैदिक मंत्र है, वेद का मंत्र है और यजुर्वेद में दिया हुआ है। ओम अग्निर मुधा दिवा ककुत्पति पृथ्विया अयम पाम रेंतासी जिनवती। ये वाला मंत्र है जो करने से, इसको अगर 108 बार 45 डेज तक किया जाए तो ये मंत्र से एकदम बहुत अच्छा भला होता है। और आर्टिकल ऑफ डोनेशन, यानी कि इसके जो दान करने वाली चीजें हैं, अगर मंगल आपका खराब हो या मंगल को आपको सही करना हो अपना, तो मंत्र तो है ही, इसके अलावा आप तांबे का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, लाल कपड़ों का दान कर सकते हैं, सैंडलवुड होती है आपकी उसका दान कर सकते हैं, मसूर की दाल आपकी जो होती है उसका दान कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा इनके कुछ प्रोफेशन और डिसीज हैं जो बताए गए हैं मंगल के द्वारा। मंगल के द्वारा जो प्रोफेशनल डिसीज बताए गए हैं वो बताता हूं मैं आपको। मंगल से प्रोफेशन देखते हैं इंजीनियर। जब हम लोग आजीविका निर्णय करते हैं अब किसी भी कुंडली के अंदर, तो आजीविका निर्णय करने के बाद अगर वो आजीविका निर्णय वाला ग्रह हमारा मंगल आता है तो हम कैसे डिसाइड करें कि वो आदमी या वो जातक कौन सा जॉब करेगा?
तो मंगल से इंजीनियर देखते हैं, मैकेनिक देखते हैं, लीगल चीजें मंगल से देखी जाती हैं, प्रॉपर्टी देखी जाती है, मेडिकल साइंस भी जो सर्जरी है वो मंगल से देखी जाती है, जियोलॉजी मंगल से देखी जाती है, डिफेंस आर्मी और पुलिस क्योंकि वहां पे हिम्मत की आवश्यकता होती है उसको भी मंगल से देखा जाता है, जितने डेंटिस्ट हैं उनको भी मंगल से देखते हैं, हालांकि डेंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो गुरु और चंद्रमा से भी देखे जाते हैं, लेकिन जहां सर्जरी का काम आता है वहां मंगल इन्वॉल्व हो जाता है, और डेंटिस्ट के लिए भी सर्जरी करनी पड़ती है, हिम्मत का काम होता है। रेस्टोरेंट्स जहां पे भी अग्नि का इस्तेमाल होता है वो सारे काम मंगल से देखे जाते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशन फाइनेंसिस, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जहां हथियार वाले काम है, जहां हथियार बनते हैं जिन फैक्ट्रीज में, उनके अंदर भी जो प्रोफेशन है वो सारे मंगल से गवर्न होते हैं। फर्नेसिस जो स्टील फर्नेसिस लगी होती हैं या स्टील फैक्ट्रीज में होती हैं वो सारे काम भी मंगल से ही गवर्न होते हैं। केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, बच्चर है, हार्डवेयर है, जिम है, रेसलिंग वाला है, इस तरह के सारे काम मतलब मंगल ही देखता है, मंगल से ही प्रोफेशन निकाले जाते हैं। अगर मंगल आपका आजीविका निर्णय ग्रह आए तो आप कह सकते हैं कि जातक इनमें से दिए हुए कुछ कामों को कर सकता है अपनी लाइफ में, या इनमें से दिए हुए कामों को अगर वो करे तो उसको बहुत सफलता मिल सकती है। लेकिन मंगल से साथ ही साथ कुछ होने वाली बीमारियां भी हैं, अगर मंगल खराब हो या मंगल तीव्र बलशाली हो। देखिए दो चीजें इसके अंदर होती है, कई बार क्या होता है कि ग्रह के अति बली होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रह के अति बली होने से बीमारी होती है। अति किसी की इच्छा नहीं होती, लेकिन ग्रह कमजोर है तो ये दिया है इसके अंदर कि इसके अंदर बोन मैरो की डिजीज हो सकती है, रेड ब्लड सेल की प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल टेंशन के उसमें काम में आता है, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करता है। अगर किसी का देखना हो, पागलपन देखना हो, तो चंद्रमा और मंगल को देखा जाता है। अगर चंद्रमा और मंगल किसी का बहुत ज्यादा पीड़ित है, खराब है, तो ऐसे में ऐसा आदमी विक्षिप्त हो सकता है, पागल हो सकता है, उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी, ये भी इससे देखे जाते हैं। जानवरों का काटना, इंजरीज, जितनी चोट लगती हैं, चोट चपेट जितनी भी हैं, वो सब चीजें मंगल से देखी जाती हैं। इसी की पैदा की हुई डिसीज है, मंगल की दशा चल रही हो तो लाजमी है कि इंसान को चोट चपेट लग सकती है, या इस तरह के कट्स वगैरह या हाई ब्लड प्रेशर वगैरह सब हो सकता है एक पर्टिकुलर एज में जाके, फ्रैक्चर्स वगैरह या बाउंस वगैरह, फ्रैक्चर्स वगैरह कहीं हो जाए, किसी का पैर टूट जाए, किसी का हार्ट टूट जाए, तो देखिए मंगल ग्रह कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व जरूर होगा। यूरिनरी कंप्लेंट्स वगैरह हों, ट्यूमर्स हों, उसके अंदर भी मंगल का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये कुछ डिजीज हैं जो मंगल के खराब होने से पैदा होती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि मंगल अगर तीव्र बली भी हो तो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मंगल के कारकत्व आपको बताते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या है। मंगल के कारकत्व है शूरता, बिल्कुल करेज जिसे कहते हैं, बल कहते हैं, लड़ाई झगड़े इससे देखे जाते हैं, सारी चीजें मसल्स इससे देखी जाती हैं आदमी की, इंसान की, क्योंकि बल पराक्रम को शो करता है, पराक्रम भाव का कारक है, तीसरा नंबर भाव जो हमारा होता है कुंडली का, हिंसा का कारक है, आतंकवाद का कारक यही मंगल ही होता है। मिलिटेंसी जो होती है वो मंगल की वजह से होती है। अगर कोई मिलिटेंसी किसी की देखनी है, कोई मिलिटेंट है, उसका कुंडली आप देख रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि मंगल कितना पीड़ित है या कैसा है उसका, तो उसकी मिलिटेंसी भी वो हो सकती है। आगजनी, भाई बहन का सुख, भूमि पदार्थ, चोट, ये सब चीजें हो सकती हैं। सेनापति और मिलिटेंसी के अंदर एक चीज और भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल और चंद्र ये दोनों अगर पीड़ित हो तो आदमी विक्षिप्त भी हो सकता है, इसके साथ साथ मिलिटेंट भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो भावुकता को खो देता है अगर पीड़ित हो जाए तो इसलिए कई बार बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, सर्जन होते हैं बड़े बड़े, उनकी कुंडली में चंद्रमा कई बार पीड़ित भी दिखाई पड़ता है। तो फिर भी वो जनरल साहित्य में या शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं है, वो केवल एक एक्सपीरियंस के थ्रू देखा गया है, बट आपको इतना ही ध्यान रखना है जो शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि वही सेम चीज है, वही ऑथेंटिक चीज है। तो जितने भी जंगली जानवरों के प्रबंधक वगैरह होते हैं, जितना मतलब आपका जंगली जानवरों का मैनेजमेंट होता है फॉरेस्ट में, वो सारे चीजें जो हैं कारकत्व हैं मंगल कारकत्व में आते हैं। शस्त्र का धारण करना मंगल कारकत्व है। चोर, युद्ध, विरोध, उद्वरता, विदेश गमन, राज्य सेवा, ये सब मंगल कारक हैं। दुर्घटना, आगजनी, जो भी दुर्घटना हो, चोट चपेट हो, आगजनी होती है, भाई बहन का सुख है, भूमि पदार्थ है, चोट है, ये सब मंगल कारक हैं। इनके बारे में जब कुंडली के अंदर बात की जाती है तो मंगल को ही देखा जाता है, और इसलिए कहा गया है कि जब मंगल बली हो तो वो शक्ति देता है,
स्वतंत्रता देता है, इच्छा शक्ति तथा आत्मविश्वास देता है, साहस देता है, अच्छी तार्किक क्षमता देता है, यांत्रिकी निपुणता देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, तर्क वितर्क की क्षमता देता है। मंगल जो है इंसान को लॉजिकल बनाता है और शारीरिक बल भी देता है। और इसके अलावा इसके विपरीत मंगल अगर पीड़ित हो तो आदमी निरंकुश प्रवृत्ति का हो जाता है, विध्वंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मिलिटेंसी केस में मंगल पीड़ित हो तो वो आदमी उसके अंदर विध्वंसक प्रवृत्ति का भी हो जाता है, दुस्साहसी हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, बहुत ज्यादा घटीला या जिद्दी हो जाता है, चोट लगने के चांस उसे होते हैं बहुत ज्यादा। जातक को गर्मी में जलन की शिकायत होनी शुरू हो जाती है, शल्य चिकित्सा या दुर्घटना उसकी हो सकती है, वैवाहिक जीवन उसका दुखी हो सकता है अगर मंगल पीड़ित हो। तो ये थे मंगल के बारे में जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं वो हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। अष्टक वर्ग की भी क्लास चालू कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।